वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सहित कर्मचारियों को वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को मुआवजा देना होगा, देना होगा। न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान जो तमाम बीजेपी के एमएलसी हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान दिया जाता है उसे वेतनमान करने की मांग कर रहे हैं, और जिस तरह से बात करें तो पहली बारिश में जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है उनके मुआवजों को लेकर तमाम जो बीजेपी के एमएलसी हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं बात करें तो क्या कुछ कर रहे हैं जो बीजेपी के एमएलसी, पहले सुनिए उनकी बात। लेकिन उसमें शिक्षक नहीं दिया गया, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय बना दिए गए हैं, शिक्षकों की बहाली नहीं की गई, शिक्षक दिया गया है। और बढ़ता है जो हम लोगों ने वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार में अपनाई गई थी और जिसके कारण बहुत से हमारे शिक्षक आज कार्यरत भी है विद्यालयों में और वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो ढुलमुल स्थिति और रवैया है, जो सरकार का शिक्षकों के प्रति जो सरकार की सोच है, वो बहाली करते हैं लेकिन नियुक्त करते हैं, उनको मानदेय नहीं देते हैं। आज जो शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं, समान वेतन समान काम का उन्होंने लगातार मांग किया है और वो सरकार उसको नहीं दे रही है, उसको देने में असफल है। आज ग्रामीण में आपके विद्यालय हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो लगातार अपने संघर्ष के लिए पटना के सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं। तो मैं ये सरकार से आज ये मांग करना चाहती हूँ कि जो शिक्षक आज वर्तमान में बिहार सरकार में कार्यरत है और वो काम कर रहे हैं, चूँकि जो पुराने जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो सभी शिक्षकों के रिटायरमेंट का समय आ चुका है, और जो हमारे नए शिक्षक हैं जो 12 से हमारे बहाल है, 13 से जो बहाली जिनकी हुई है, उनको समान वेतन देकर और उचित कार्य का उचित मानदेय देकर उनका सम्मान करना इस शिक्षा विभाग की जरूरत है आज के दिन में। लेकिन आज बिहार के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा की बजाय हर विषय का वो मुद्दा उठाते हैं, जैसे कि आपने हमारे रामचरितमानस जी का मुद्दा वो लगातार उठाए जाते हैं और शिक्षा पर उनका कहीं से कोई ध्यान ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये कहना चाहूँगी कि जितना ध्यान वो रामचरितमानस पे और रामायण पे लगा रहे हैं, उतना ही ध्यान अगर बिहार के शिक्षकों के प्रति उनका हो जाए तो बिहार के शिक्षकों का बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी के एमएलसी का साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षकों को अनुदान दिया जाता है उसे वेतनमान करने की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं बात करें तो शिक्षा मंत्री पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री हैं जो रामचरितमानस पर बात करते हैं, रामायण पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षकों को लिए बात नहीं करते हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो शिक्षक हैं वित्त रहित शिक्षक हैं उन्हें जो अनुदान दिया जाता है उसे वेतनमान करने की मांग कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो किसानों को नुकसान हुआ है उनके मुआवजों को भी मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को बने रहें न्यूज़ फोर नेशन के साथ। नमस्कार।